ओह यस, ऐसे रखना है आपने, ठीक है, ऐसे। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो मैं करने वाली हूँ वो आप लोगों को टाइटल से ऑलरेडी क्लियर है। आज मैं कलर करने वाली हूँ अपने बालों को, और काफ़ी टाइम हो गया है मैंने कलर नहीं किया है। एज यू कैन सी कलर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है अभी, बिकॉज जो रीग्रोथ होती है बालों की, तो उसके साथ लेंथ के साथ बाल यहाँ पे तभी देख रहे हैं, यहाँ पे कलर आ चुका है। तो अभी मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा बालों को कलर करने के लिए, और उस हॉट पिंक सेल में मैंने जो परचेज किया था, ये लॉरियल पेरिस हनी ब्लॉन्ड हाइलाइट्स नेचुरल डार्क हेयर नंबर 5, यू कैन सी, ऐसे कुछ इसकी पैकेजिंग है। और मैंने 3 डब्बे परचेज किए हैं, बिकॉज ये मेरे को लगा मेरी लेंथ के अकॉर्डिंगली एक डब्बा मेरे लिए सफिशियंट नहीं होता, तो मैंने 3 लिए हैं, जिसमें आपको मिल जाता है लाइक ब्रश है, इसमें इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, कलर है, डेवलपर है, एंड रिंस एयर प्रोटेक्टिव कंडीशनर आपको मिल जाता है। लाइक देखते हैं ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। एंड इसकी जो MRP है वो है 350 रुपीज़ ईच, बाकी मेरे को पता नहीं कितने डिस्काउंट के ऊपर ये मिला था। तो मैंने 3 डब्बे लिए हैं यूगन से, सो 3 डब्बे लिए हैं मैंने लॉरियल पेरिस के इस कलर के। एंड इसी के साथ मैंने लॉरियल से ही एक चीज़ और परचेज की है, ये है प्रोफेशनल रेंज से सीरीज एक्सपर्ट गोल्ड किनोआ प्लस प्रोटीन एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क। एज यू कैन सी काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 780 रुपीज़ इसकी MRP है, बट आई गेस मेरे को अच्छे से डिस्काउंट पे ही मिली थी, और बट इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था इसके ऊपर। लेकिन ये जो लॉरियल पेरिस की प्रोफेशनल रेंज है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे बालों को एक्स्ट्रा कंडीशनर की, एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज कलरिंग वगैरह यूज़ करने के बाद। चलिए अब वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो मैंने अपने बालों को वॉश किया हुआ है ऑलरेडी, लाइक कल मैंने अपने बालों को वॉश किया था ट्यूसडे को, और आज मेरे बालों को मैं वॉश नहीं करना चाहूँगी बिकॉज इसको अप्लाई करने के बाद वॉश करना ही पड़ेगा। पहले ओपन करके देखते हैं कि इसमें है क्या। दिस इज़ एक्सलेंस फैशन हाइलाइट्स अल्ट्रा ग्लैमरस हाईलाइट्स फॉर फैशनेबल हेयर। आई जस्ट होप कि ये ना अच्छे से कलर निकल आए, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी स्किन के ऊपर ज़्यादा ना लगे, बिकॉज मैंने वैसे तो चूज़ किया है नेचुरल डार्क हेयर, बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा लाइट ब्लॉन्ड वाले हेयर मेरे को हाईलाइट्स नहीं चाहिए। तो इसमें आपको मिल जाता है ये ब्रश, एज यू कैन सी। तो इसके साथ क्या है लाइक निकाल के क्या करेंगे इसके साथ, ओके तो कॉम करने के पे चलो यूज़ करके देखते हैं इसको, बिकॉज इसमें इंस्ट्रक्शन भी है। ओके तो अच्छा किया मैंने 3 डब्बे मंगवा लिए, बिकॉज डेवलपर यू कैन सी मतलब इतना सा है इसमें, इतना सा हाफ से भी कम है, लाइक 24 ml इसमें है। एंड ओके तो ये छोटू सी आपको ट्यूब मिल जाती है, यू कैन सी। तो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन गाइड भी दिया है जिसको मैं रीड कर लूँगी अच्छे से, और इसी के साथ एक कंडीशनर भी है जिसको मैं दोबारा इसको आफ्टर अप्लाइंग कलर जब मैं वॉश कर लूँगी यूज़ करूँगी। तो मैं इंस्ट्रक्शन गाइड को पहले रीड कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट नॉर्मल सी जैसे हमने कलर को मिक्स करना है। सो मैंने ऐसा बोल लिया है, एज यू कैन सी ये ना डिस्पोजेबल वाला बोल है, बिकॉज मेरे पास प्लास्टिक का कोई बोल नहीं है, और प्लास्टिक के बोल में ही हमेशा मिक्स करना है कलर, और पूरा इसको मैं डाल लूँगी। और कुछ भी इंस्ट्रक्शन में नहीं है, जस्ट अगर आपको कलर से एलर्जी है तो आप कलर मत यूज़ कीजिए। एंड इस पहले मैं कलर को अच्छे से पूरा ही डाल लूँगी। ओके सो एज़ यूजुअल कलर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल है। लाइक इसमें सिंपल से स्टेप्स हैं कि आपको पहले स्टेप में इन दोनों को मिक्स करना है, जो डेवलपर और जो ट्यूब है, कोई भी मेजरमेंट नहीं है, जस्ट आपको दोनों ही कम्प्लीटली फुली आपने ले लेना है, इनको फिनिश कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और ओ सॉरी मैंने अपना भूल के ग्लव्स पहनना, सबसे पहले मैं ग्लव्स पहनूंगी जो इसी के साथ में मिल जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ट्यूब की मैंने अच्छे से जान निकाल दी है, और ऐसे ही कीजिए, कोई भी थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड मैं दोनों को एक बार में खोल लूँगी, बिकॉज इतना सा तो कंप्लीट नहीं होगा मेरे लिए, सफिशियंट नहीं होगा। इसी के साथ हम अप्लाई करने वाले हैं, ये कॉम्ब है जो इसी की शेप के साथ हम अप्लाई करेंगे, जिसके साथ हमारे हाई लाइट्स वाला इफेक्ट आएगा। तो लेट्स सी, आई एम सो एक्साइटेड। इसमें 2 शेड्स अवेलेबल थे, और जो ये वाला शेड था ये अवेलेबल था, मतलब दूसरा वाला आउट ऑफ स्टॉक था। आई गेस वो थोड़ा सा लाइटर में था, तो मेरे को इतनी ज़्यादा लाइट, जैसे मैंने बोला हाइलाइट्स नहीं चाहिए, तो पहले तो मैं 2 ही लूँगी डब्बे,
उसके बाद मैं लूँगी थर्ड वाला अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, वो मैंने सेफ साइड के लिए रख लिया था लेके अगर मुझे लाइक कम पड़ गया तो। और वैसे अगर आप सलोन वगैरह में हाइलाइटिंग के लिए जाओ तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे को पता है 500 या 600 पर स्ट्रैंड लेते हैं वो हाईलाइट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और ये मेरे को जो तीन है वो आई गेस 1100 में पड़े हैं, तीन डब्बे या 1000 में पड़े हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक चीप है अकॉर्डिंग टू सलोन। सो अभी मैं पूरा जो ये डेवलपर है पहले वाला वो डाल लूँगी। सो अभी मैंने ना ये सेफ साइड के लिए ताकि मेरी टी शर्ट ख़राब ना हो, तो काम करना बहुत ज़रूरी है। पता है आजकल ना मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने हेयर्स के लिए, टच वुड, मैं जब भी ऐसे बोलती हूँ मेरे हेयर फॉल शुरू हो जाता है, तो मेरे हेयर्स को बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। और अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्सिंग के लिए मैं ये वाला नॉर्मल वाला जो ब्रश होता है ना, बाय द वे ये भी लॉरियल का ही है, तो इसको यूज़ करने वाली हूँ जस्ट अपने कलर को मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो कलर को मिक्स करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला लाइक स्टेप है अगर आप कलरिंग कर रहे हो घर पर, बिकॉज अगर आपका जो डेवलपर और जो क्रेम है जो अच्छे से अगर मिक्स होगा ना वो एकदम से लाइक, तो आपका कलर उतना ही अच्छा आएगा। जब भी आप कलर लगाएं तो उसको अच्छे से मिक्स कर लें। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं ये एकदम से क्रीमी फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही आपने करना है, जब भी आपने कलर मिक्स करना है तो एकदम से मतलब लाइक बीट करना है इसको। एंड इसी के साथ जो ये वाला ब्रश मिला है, इफ़ यू कैन सी, तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे टूथ बने हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करेंगे अपना कलर जिसके साथ वो हाईलाइटिंग वाला इफेक्ट आएगा। तो पहले मैं एक साइड के बालों को टाई कर लेती हूँ। ओके, अप्लाई करते हैं। कलर ने अपना कलर चेंज कर लिया है, एज यू कैन सी कलर ने कलर के चेंज कर लिया है, तो अभी मैं फटाफट से अप्लाई करूँगी, एक बार इससे भी मिक्स कर लूँगी। सो इसमें डिप करके देखते हैं कि इसके साथ कैसा इफेक्ट आता है। मैं अपना मिरर रखना तो भूल ही गई। ओह यस, ऐसे रखना है आपने, ठीक है ऐसे। वाओ, सो यू कैन सी, ठीक है। अब मैं फटाफट से अपना ना मिरर रख लूँ बिकॉज उसके साथ मुझे देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो अभी 45 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अभी अपना कलर वॉश करने जा रही हूँ। सो अभी देखते हैं कि वॉश करने के बाद ये कैसा रिजल्ट आया है, कौन सा इसका, तो यू कैन सी। चलो अभी फटाफट से वॉश करती हूँ, और वॉश करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ये एक्सलेंस फैशन हाईलाइट्स कंडीशनर जो इन्होंने इसी के साथ मुझे मिला है, प्रोटेक्टिव कंडीशनर जो स्टेप टू। सो यू कैन सी मेरा न्यू हेयर कलर, तो आई एम जस्ट लविंग दिस बिकॉज ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला कलर मेरे को मिला है जो मुझे चाहिए था, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसा ब्लॉन्ड शेड नहीं आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मेरे को चाहिए भी नहीं था, बिकॉज एज आई सेड मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, तो एज यू कैन सी, सो यू कैन सी द शाइन, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। सो या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है विद दिस लॉरियल के एक्सलेंस फैशन हाईलाइट्स के साथ। एज सच बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली हाईलाइट्स तो नहीं हुई है जो एकदम से जो प्रोफेशनल वाली होती हैं, बट स्टिल इट्स वेरी गुड बिकॉज ये बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लग रही है, वेरी नेचुरल इट इज़ लुकिंग, यू कैन सी। तो जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छे से आया है एंड एग्जैक्टली आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो शेड मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वही वाला शेड आया है, यू कैन सी द शाइन। बिकॉज जैसे मैंने बोला मेरे को ब्लॉन्ड कलर नहीं चाहिए था, वो ऐसा मुझे लगता है मेरे ऊपर सूट नहीं करता है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है।
तो मैं यही कहूँगी कि इतने ज़्यादा सलोन लाइक तो नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रिसाइसली आते हैं हेयर जो हाइलाइट्स एज यू कैन सी, बट जो कलर आया है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है एज यू कैन सी, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड एंड सो हैप्पी बिकॉज 350 रुपीज़ में एक बॉक्स आपको मिल जाएगा, दो डब्बे मेरे लगे हैं तो ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ में मेरा जो है कलर बालों का चेंज हो गया है, स्टाइल चेंज हो गया है बिकॉज कलर ऐड होने से एक थोड़ा सा वाइब चेंज हो जाता है, सो यू कैन सी काफ़ी अच्छा लगा, लाइक आई एम सो हैप्पी कि मैं बार बार टच कर रही हूँ और इनको देख रही हूँ बार बार से, अच्छे लग रहे हैं मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा है वो कॉमेंट डाउन करो, ठीक है। और बात करूँ इस प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसमें आपको कंडीशनर मिल जाता है, इसी में आपको ग्लव्स मिल जाते हैं, इसी में आपको ये वाली कॉम मिल जाती है एज यू कैन सी, जिसके साथ आप अपने कलर को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो कलर भी काफ़ी अच्छा है एंड कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि कितने टाइम तक रहता है। बाकी बाल मेरे कोई मैंने शैम्पू नहीं किया, जो उसके साथ स्टेप टू वाला कंडीशनर मिला था वही मैंने अप्लाई किया है, जिसके साथ काफ़ी अच्छी मेरे बालों में शाइन आई है, मेरे बाल शाइन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूद हो गए हैं, लाइक इट्स वेरी स्मूद इन टच, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एज यू कैन सी, मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ। और ये थोड़े से डार्क हैं बिकॉज जो हाइलाइट्स होती हैं बेसिकली हमने देख, आप लोगों ने देखी होगी वो लाइट शेड में होती है, ब्लॉन्ड शेड में, बट एज सच मुझे वो ब्लॉन्ड वाली जो हाइलाइट्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, सो जो मुझे कलर चाहिए था वो भी मेरे को कलर मिला है एज यू कैन सी, तो चॉकलेटी ब्राउन शेड है या हनी सा शेड है ये, और आई गेस ये है भी वही हनी ब्लॉन्ड हाइलाइट्स है ये, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला शेड, और एज सच बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा नहीं लग रहा मेरे फेस के ऊपर, ऑड नहीं लग रहा है। बाकी आप कमेंट डाउन करो, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है या हेल्पफुल लगी है या हेल्पफुल नहीं लगी है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर से शेयर करना। एंड मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा है लॉरियल का, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड विद दिस एक्सलेंस फैशन हाईलाइट्स, अल्ट्रा ग्लैमरस हाईलाइट्स फॉर फैशनेबल हेयर, तो एज सच यू कैन सी बिल्कुल चेंज हो गई है मेरी हेयर की लुक। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।